इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अखिलेश यादव रैली करेंगे। गुना और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव की रैली कराने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान को रैली का प्रस्ताव भेजा है। गुना लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को उतारा है। वहीं ग्वालियर सीट से प्रवीण पाठक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने यहां भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में सिंधिया को भाजपा के प्रत्याशी केपी यादव ने हराया था। गुना की कुछ विधानसभा क्षेत्रों में यादव मतदाता की भूमिका प्रभावी है। गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश में सपा को सिर्फ एक लोकसभा सीट खजुराहो मिली थी। कांग्रेस प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खजुराहो सीट पर सपा ने पहले डॉक्टर मनोज यादव को उतारा था, मगर 48 घंटे में उनकी जगह मीरा यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। वहीं नामांकन पत्र में गलती होने की वजह से मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। गुना और ग्वालियर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। उससे पहले कांग्रेस सामाजिक और जातीय समीकरण के आधार पर अखिलेश यादव की जनसभा इन दोनों क्षेत्रों में करवाना चाहती है। कांग्रेस गुना में अखिलेश यादव के माध्यम से ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरना चाहती है। सचिन पायलट मुरैना और रतलाम में जनसभा कर रहे हैं। 24 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रतलाम और भिंड लोकसभा क्षेत्र में आ सकते हैं। ये जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने दी है।